हरे कृष्णा, दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 12 दिसंबर, ठीक है। तो हम ये एक ही कार्ड, एक ही डेक यूज़ करेंगे, दैट इज़ द ब्लू डेक। ओके, एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। उसके ही कार्ड्स हम मल्टीपल में यूज़ करेंगे एंड देखते हैं फिर रीडिंग कैसे आती है। ओके, तो देखते हैं आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चुन लेते हैं कुछ कार्ड्स एंड देख लेते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, तो चलो पहले यही ले लेते हैं, फिर बाद में हम और कार्ड एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ठीक है, लेट्स लुक एट दैट। ओके, चलो पहले हमने सिर्फ 3 ही कार्ड्स ले लिए, अब उनकी रीडिंग करते हैं, बाद में हम बाकी के जो कार्ड्स हैं उनकी भी रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो शायद कुछ और पता चले। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड आ गए जो कि है स्ट्रेंथ, फ्रस्ट्रेशन एंड ब्रेक रूल्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग। ठीक है, ये वो कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है लेकिन ब्रेक रूल्स भी आ गया है। तो क्या मतलब है इसका। ब्रेक रूल्स यहाँ पे इसलिए आ गया है बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू एस्केप समथिंग। ठीक है, मतलब जो माइंडसेट होता है, जैसे किसी का पुराना माइंडसेट है या फिर एक माइंडसेट है, यू नो, जो बदलना नहीं चाहते, तो उससे शायद इनको तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो ये जो माइंडसेट है वो बदलना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग कहते हैं कि द गाय शुड बी वर्किंग एज अ, यू नो, डूइंग अ जॉब। ठीक है, किसी को जॉब करने वाला लड़का चाहिए, लेकिन अगर वो किसान हो, खेती कर रहा हो या फिर उसका खुद का बिजनेस हो तो क्या हो सकता है। वैसे भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी, कुछ अंडरस्टैंड करना होगा। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ब्रेक द रूल्स। ठीक है, जैसे कि मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, बात करते हैं, नहीं मिलते हैं, मतलब पुराना जो स्टिग्मा है वो ब्रेक करना चाहते हैं। ओके, सम पीपल जस्ट प्रेफर दैट, ओके, सगाई के तुरंत बाद मैरिज। मे बी ही कुड टेल यू दैट आई वॉन्ट टू डू सच काइंड ऑफ फास्ट अरेंजमेंट। ओके, आई वॉन्ट टू डू दैट एंगेजमेंट फर्स्ट एंड आफ्टर 4 or 6 मंथ्स लेटर आई विल प्रेफर द मैरिज। या फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि आई डोंट वांट टू डू एनी ऑफ दिस ईदर बिकॉज ऑफ द एपिडेमिक, मे बी वी कैन डू इट नेक्स्ट ईयर और आफ्टर 2 years। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बात नहीं करेंगे, यू विल नॉट कम्युनिकेट इच अदर, यू विल नॉट मीट इच अदर। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे कार्ड आता है ब्रेक रूल्स। तो ये कुछ जो रूल्स हैं वो ब्रेक करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू समथिंग, ओके, जो इनको सही लगे। अब जरूरी नहीं कि जो इनको सही लग रहा है वो आपको भी सही लगे। ओके, शायद आप इससे गुस्सा हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, या आपको भी ये सही लग सकता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे किस तरह से लेते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर दिस ब्रेक रूल्स। लेकिन यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी आ गया है। ओके, हालांकि ये सोच रहे हैं लेकिन ये पा नहीं रहे हैं, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं पे इस बात को डिनाई कर रहे हैं। ओके, ये व्यक्ति कुछ रूल्स तोड़ने को सोच रहा है एंड आप इसके खिलाफ हो। ठीक है, एंड मे बी यू डिसलाइक इट। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन कुड बी टेलिंग यू कि चलो ये प्रॉपर्टी बेच देते हैं। ओके, एंड आप कह सकते हैं कि नो, आई डोंट वांट टू डू दैट, यू नो, ये हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी है, या फिर वी शुड टेक परमिशन फ्रॉम एल्डर्स फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिख रहा है एक तनाव निर्माण हुआ है। एंड अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, प्यार के बारे में, मे बी ही इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू कि आज मिलते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जस्ट ब्रेक द रूल्स एंड यू आर सेइंग नो। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इनको मना कर रहे हैं, आपसे इनको इनकार मिल रहा है, और जिस तरह से इनकार मिल रहा है उससे वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। ओके, अब ये आप जानबूझ के नहीं कर रहे कि आई वांट टू फ्रस्ट्रेट देम, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड भी नहीं करना चाहते, यू आर जस्ट फॉलोइंग दिस थिंग। हालांकि यहाँ पे एक और कार्ड है जो कि स्ट्रेंथ, सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू शो यू देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब वो क्या है और कैसे हैं। ठीक है, मतलब देखो कोई एक व्यक्ति है जो सैलरीड है, ठीक है, जिसको सैलरी मिलती है मंथली, अभी उसका सालाना इनकम सोर्स 4 लाख है। ठीक है, सो दैट कुड बी श्योर दैट ओके 4 लाख मिलेंगे, लेकिन जिस कंपनी में काम कर रहा है वो अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो किसी भी वक्त बंद पड़ सकती है, एंड उसके बाद क्या, इसका जवाब किसी के पास नहीं सिवाय इसके कि वो कोई और जॉब ढूंढेगा। ठीक है, अब उसके अलावा अगर ये व्यक्ति, यू नो, कोई व्यक्ति है जो खुद का बिजनेस कर रहा है, आपको लग रहा होगा कितना इनकम सोर्स 2 लाख है, शायद अगले साल 4 लाख हो गए, 8 लाख हो जाए, या फिर अभी 8 लाख है, शायद 10 लाख हो जाए, या फिर 2 लाख पे भी आ जाए। सो दिस पर्सन इज हैविंग समथिंग, और वो आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इसको एडमायर करना होगा। ऐसे नहीं कि जस्ट, यू नो, यू जस्ट लुक एट दैट पर्सन, यू जस्ट सी दैट ओके।
ये व्यक्ति आपको बताना चाहता है कि इसमें भी कई सारे गुण हैं, इसमें भी स्ट्रेंथ है। मतलब कई बार क्या होता है कि हम जिस किसी व्यक्ति के बारे में, तो यहाँ पे व्यक्ति आपको स्ट्रेंथ शोकेस करने में भी दिख सकता है। एंड जस्ट हैव टू एडमायर दैट पर्सन्स गिफ्ट्स, ठीक है। मतलब उसमें क्या अच्छाई है, क्या नहीं, वो आपके लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब कुछ लोग सिर्फ कहते हैं कि आई विल डू दिस फॉर यू, लेकिन सच में किस में काबिलियत है कि वो आपकी हर ख्वाहिश या फिर आपको हैप्पीनेस दिला सके, ठीक है। तो ये हमने कुछ कार्ड देखे, अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स, ठीक है। देखते हैं वहाँ से हमें क्या इंसाइट मिलता है, ठीक है। चलो कुछ कार्ड आ गए डायरेक्टली, गट्ठा ही आ गया कार्ड्स का, तो उसको देखते हैं हम। ओके, नॉट सीरियस बर्थडे, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, मनी इशू, ठीक है। तो यहाँ पे चार कार्ड्स हमें दिख रहे हैं, तो इस कार्ड्स का क्या मतलब है, ठीक है। नॉट सीरियस आ गए यहाँ पे, ओके, बर्थडे भी है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एंड मनी इशू। तो अगर हम ये कार्ड देखते हैं तो शायद किसी का बर्थडे आने वाला है, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, मे बी वो व्यक्ति किसी का बर्थडे मनाने का सोच रहे हैं, या फिर उसका खुद का जन्मदिन नज़दीक आ रहा है। ओके, नाउ दिस इज़ वंडरफुल थिंग, मे बी उसकी कई सारी प्लानिंग्स हो सकती हैं, मे बी ही इज़ ट्राइंग और विशिंग एंड विलिंग कि उस वक्त उस पल आप इनको विश करें, एंड यू शुड आस्क दैट पर्सन फॉर यू नो क्या आप मुझसे शादी करोगे, और काइंड ऑफ अ गिफ्ट विच द पर्सन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, इस पर्सन एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू कि आप उनके लिए कुछ करोगे, एंड लाइक वाइज। सो बर्थडे तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी दिख रही हैं जो कि है मनी इश्यू। तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो किस चीज़ों से डील कर रहा है जो उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। मनी इशू जब किसी को भी होता है तो यू नो चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है कि पैसों को कैसे हैंडल करें, एंड लाइक वाइज शायद अचानक से कोई चीज़ आ सकती है, जैसे कि कोरोना एपिडेमिक में हम लोग कहते हैं कि चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम भर्ती हो जाएंगे, यू नो इट विल बी डन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भी मतलब लोग जाते हैं, एंड अगर आप उनका खर्चा देखोगे तो ऑलमोस्ट एक दिन का बहुत महंगा आता है, 1-1 लाख तक का बिल यू नो व्यक्ति को मिलता है। सो अगर आप में उतनी स्ट्रेंथ है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या करो, यू नो, एंड आप कहाँ पर भी जाए जो आपको दी जाएगी दवा वो तो एक ही है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में कम डोज एंड उसमें ज़्यादा डोज, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो मनी इशू यहाँ पे प्रोमिनेंट है या प्रॉम्प्ट दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप। तो व्यक्ति शायद ऐसे कुछ चीज़ों से डील कर रहा है, थोड़ा मनी इशू हो सकता है, तो शायद इसकी वजह से वो आगे बढ़ने में शायद थोड़ा हिचकिचा रहा है, ठीक है। समय शायद उसके पैसे कहीं पर अटक गए हैं, किसी से पैसे आने बाकी हैं, यू नो वो उसको पैसे नहीं दे रहा है, एंड वो आपको क्या बोलेगा। अगर ऐसा इशू है तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है नॉट सीरियस इन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो इसका क्या मतलब है, देखो कई बार क्या होता है कि सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर निकल जाती है। मतलब मे बी ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन इनके एक्शन इनके लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, या फिर इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट गई है, ठीक है। सडनली कुछ बहसबाजी हो गई फैमिली और इसके बीच, अब फैमिली को कैसे मनाएं, और अगर फैमिली को अब बताया कि ये किसी के साथ प्यार में है तो फैमिली का जवाब क्या होगा। एंड आप कह रहे हैं कि चलो मुझे फैमिली से मिला दो या फिर लेट्स डू एंगेजमेंट टुगेदर, तो फिर क्या हो जाएगा। तो कई बार सिचुएशन इतनी ड्रास्टिक हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं एग्जैक्टली करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। तब यहाँ पे कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, मतलब आप उसे हैंडल ही नहीं कर सकते, चीज़ें इस कदर हो जाती हैं कि यहाँ भागो या वहाँ भागो, ठीक है, मतलब इंसान भागता ही रहता है। एंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है नॉट सीरियस, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति शायद नॉट सीरियस है, मतलब मे बी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम हिम और हर, ठीक है, कि वो थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करे या फिर वो थोड़ा सीरियस बने, मतलब किसी भी बात को लेके, ओके। एंड ये व्यक्ति ऐसा बिहेव कर सकता है या ऐसा बिलीव कर सकता है कि आई एम नॉट सीरियस राइट नाउ। अब जरूरी नहीं कि व्यक्ति हर दम हमेशा आपके हाँ में हाँ मिला है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि ठीक है तुम ऐसे हो, हम ऐसे कह रहे हो, ठीक है मैं एडजस्ट करता हूँ, करती हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये इशू आ सकता है कि आप उनसे कुछ चीज़ें करने को कह रहे हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, ओके, एंड मे बी द पर्सन इज़ नॉट डूइंग दैट। जैसे कि मानो आपको पता है कि इनमें बहुत सारा स्टैमिना है या उनमें बहुत क्षमता है, एंड वो CEO भी बन सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपनी पूरी एनर्जी यूज़ ही नहीं कर रहा है, ठीक है, जो जॉब है उसी पर सेटल है। मे बी वो एक्सपेक्टिंग दे कि ये व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ना है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये एक रीडिंग यहाँ पे हो गया, तो दो रीडिंग हमने कर दी, अब देखते हैं एक और रीडिंग या फिर 2-3 रीडिंग और करेंगे हम, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कौन सा कार्ड आता है, ठीक है, यहाँ पे भी चार कार्ड आ गए,
ठीक है, तीन चार चार काढ़ा के। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ इश्यूज क्या आ रहे हैं। वाह, ये सेट आ गया है। ठीक है, ब्रेकअप, रिग्रेट, वुंड्स एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये ऐसे ही लाइनअप में आ गए हैं। ठीक है, तो हम उसी ऐसे ही लेंगे। ये व्यक्ति हाल ही में ब्रेकअप से इसका फेस हुआ है। ठीक है, इस व्यक्ति ने हाल ही में ब्रेकअप फेस किया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग गुड और नॉट फीलिंग ग्रेट। ठीक है, अब किसी को भी ब्रेकअप अगर होता है तो यू नो डिपेंड करता है कि क्या होता है। कई बार जो ब्रेकअप होता है उसके पीछे कुछ वजह होती है। मतलब इतनी अच्छी चल रही रिलेशनशिप को आप ब्रेक करना चाहते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ सर्टन इशूज़। कुछ बातें होती हैं, मान लो आपको पहले लगा कि मैं इसे हैंडल कर दूंगा या मैं इसे हैंडल कर दूंगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप रिलेशनशिप को जानने की यू नो जानने लगते हैं तो कुछ कमियाँ नज़र आती हैं एंड कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको लगा कि ये स्मोकर है, ठीक है मैं हैंडल कर दूँगी, लेकिन इनका स्मोक बढ़ता गया एंड यू आर फीलिंग इरिटेटेड। आपने उनको बदलने की कोशिश की, बदल नहीं सकते, समय आपके हाथ से नहीं गया है, आप कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू ब्रेकअप। ठीक है, या फिर किसी की जो आदत होती है कि कुछ चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना। मे बी यू आर परफेक्ट ऑन टाइम, आपने कहा 2 बजे मिलते हैं तो 2 बजे से 5 मिनट पहले आप वहाँ पे होते हैं एंड ये व्यक्ति हमेशा 2:10, 15 मिनट, 20 मिनट, मतलब किसी के लिए कोई इशू नहीं, चलो चलता है, लेकिन किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू आर मोर देन एनी वन टू मी, फिर भी अगर तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो लाइक आई डोंट केयर, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो समवेयर यहाँ पे ब्रेकअप दिखता है। एंड कुछ हैबिट्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो वुमनाइजर होते हैं या फिर जो यू नो लड़की देखने की वहाँ पे देखने लगते हैं। ठीक, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति से डील करते हैं तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आई डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, ओके आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम यू, आई वॉन्ट अ ब्रेकअप। ठीक, तो वैसे में यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है एंड उसका नतीजा ये है कि सेपरेशन। You are on your own way, he or she is on his or her own way. ठीक है, तो ये नतीजा यहाँ पे निकल सकता है, लेकिन उसके बाद क्या हो सकता है? तो यहाँ पे इस व्यक्ति को रिग्रेट हो रहा है, मतलब जो भी ब्रेकअप हुआ है इसको पश्चाताप हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। एंड क्यों ना हो, आई थिंक जो भी हुआ है, जिस कदर हुआ है, इसको बहुत रिग्रेट है। एंड ये व्यक्ति आई थिंक बहुत पछता रहा है कि व्हाई डिड आई डू दैट, यू नो। देखो, जब तक किसी को किसी की कदर नहीं हो जाती ना, तब तक वो व्यक्ति ऐसे ही करता है। एंड ये ट्रू है, मतलब ऐसे मैंने कई सारे टैरो रीडर देखे हैं। आई थिंक आई हैव सीन अ टैरो रीडर, ठीक है, जो फ्री रीडिंग करती थी, लेकिन लोग उसको इतने मतलब सीरियसली नहीं लेते थे। नाउ शी स्ट्रिक्टली सेड आई वोंट डू अ फ्री रीडिंग। नाउ व्हाई डिड शी कम टू अ कंक्लूजन, क्योंकि उसको पता चला कि व्हाट इज़ द रियलिटी। वैसे इस व्यक्ति को अब पछतावा हो रहा है कि अगर मैंने तब कुछ एक्शन लिया होता, तब अगर खुद में कुछ बदलाव किए थे, तो आज का दिन नहीं आता। ठीक है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति सोच रहा है, जान रहा है कि मैंने कुछ चीज़ें की हैं जिसकी वजह से इस व्यक्ति को हर्ट हुआ है। ठीक है, अब देखो, ब्रेकअप होना ना होना ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। कभी भी किसी भी वक्त कोई चीज़ हो सकती है जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कोई व्यक्ति शायद किसी चीज़ से डील कर रहा है, उसको सहन नहीं हो रहा है, अभी व्यक्ति अभी भी पास्ट में यू नो अटका हुआ है एंड आप उसके साथ फिर भी हो। एंड फाइनली अगर उस लगा कि नहीं, वो पास से निकल नहीं सकता और वो आपको भी लटका के रखेगा, तो वो कह सकता है कि सॉरी आई वॉन्ट अ ब्रेक। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रिग्रेट आ रहा है, तो व्यक्ति रिग्रेट कर रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थर्ड जो कार्ड देख रहा है वो है वुंड्स, तो इस व्यक्ति के जख्म जो है वो भरे हुए नहीं है। ये व्यक्ति अभी भी पास्ट में है एंड अभी भी ये व्यक्ति, अगर आपका इनके साथ ब्रेकअप हुआ है तो व्यक्ति डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर जिसके साथ भी इस व्यक्ति का ब्रेकअप हुआ है इसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा है। ठीक है, और देखो, कुछ व्यक्ति जख्म करके जाते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो फिजिकल जख्म होते हैं, ठीक है, कहीं पे कांच लग गई या फिर ब्लेड लग गया, ठीक है, तो हम कहते हैं कि चलो वो भर जाएगा, कांटा छुप गया वो भी भर जाएगा। हाँ, थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन जो दिल के जख्म होते हैं, स्पेशली जुबान से जो जख्म होते हैं कि कोई हमें कुछ बोल देता है, वो वर्ड्स दिल पे घाव करते हैं एंड वो जहन में रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं निकलते। और अगर वो नहीं निकलेंगे तो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, मतलब जहाँ पर भी हम जाएंगे वहाँ वो हमें फॉलो करेंगे। ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहाँ पे वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। वेर एवर यू गो दे विल फॉलो इट। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये जख्म इसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और इस जख्मों के साथ जीना बहुत दुश्वार होता है। ओके, एंड तब व्यक्ति सोचता है कि प्लीज़ मुझे हील करो, लेकिन कैसे कोई हील करेगा अगर आप खुद नहीं हील होना चाहते। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जो जख्मी अवस्था में है
एंड उसके जख्म आपको दिख ही नहीं रहे या फिर वो भरना ही नहीं चाहता, तो आप क्या करोगे? यू नो, मतलब मान लीजिए किसी को कुछ लगा है और आप उसे हल्दी लगाना चाहते हो या फिर एंटीसेप्टिक लगाना चाहते हो, वो खुद कहता है डोंट डू दैट, तो आप क्या करोगे? आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो मना कर रहा है, वो और तेज़ी से भाग रहा है, दर्द में है, तड़प रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, तो क्या होगा? तो यहाँ पे दिख रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड आ गया है वो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। मतलब अभी भी अगर आप उससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या फिर वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है। आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं पे मैच नहीं हो रही है, मेल नहीं खा रही है, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस पर्सन, लेकिन जितना भी प्रयास कर रहे हैं वो पूरा विफल होते हुए नजर आ रहा है। यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट दिस पर्सन ऑन अ रेगुलर बेसिस, और मे बी दैट पर्सन इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू, ठीक है, कि भाई मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, या फिर मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, लेट्स मेक अ फ्रेश स्टार्ट, ओके। लेकिन आप शायद सब कुछ इसके बारे में जान चुके हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसे बिहेव करता है, ठीक है, इसके रंग कैसे हैं, एंड मुझे अब क्या करना होगा। तो ये आपका इनर मोस्ट बिहेवियर है, इनर मोस्ट बिलीफ सिस्टम है, एंड मे बी आप कह रहे हैं कि नो आई डोंट वांट टू डू दैट, आई ट्रस्टेड यू वंस एंड मैंने देखा उसके बाद क्या होता है, वो बहुत ही गलत हुआ एंड मुझे बहुत ही हर्ट महसूस हुआ, और अब इस हर्ट को लेके मैं नहीं जी सकता। वंस व्हाट आई डिड, आई डोंट वांट टू डू दैट अगेन। मतलब एक बार इंसान गलती करता है वो ठीक है, बार बार इंसान गलती दोहराता नहीं है, ठीक है। एक बार हो गई, दो बार हो गई गलती, तीसरी बार व्यक्ति गलती को सुधारता ही है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी जगह से जा रहे हैं, वहाँ पे पत्थर है, ठीक है, आपका पैर लग गया, आप सर के सर के बल नीचे गिर गए, ठीक है, फेस पे आप पड़े, ठीक है, पहली बार हो गया, दूसरी दफ़ा वैसे ही हो गया, तीसरी दफ़ा क्या आप वैसे करोगे? यू विल गेट अवे फ्रॉम इट, है ना। तो वैसे ही अगर आपको एक बार पता चला कि व्यक्ति अपना बिहेवियर चेंज नहीं करने वाला, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपकी शादी हुई है, यानी व्यक्ति दारू पीता है बहुत सारे, आपने बहुत छुड़ाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं छुड़वाना चाहता, तो क्या होगा? एंड शादी से पहले को पता चल गया कि ये ड्रिंक करता है, आपने इसको दो बार पकड़ा, आपने कहा कि डोंट डू दैट, फिर भी तीसरी बार ये ड्रिंक होता हुआ आपको नज़र आया और वो कहता है कि नहीं जानो मैं छोड़ दूंगा, आप कहेंगे आई डोंट ट्रस्ट यू, लेट्स हैव अ ब्रेकअप, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, आई होप दिस कुड रेजोनेट विद यू, थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।